केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन किया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक लाए जाने पर चर्चा थी, पर सरकार यह बिल नहीं ला पाई। उसकी दलील है कि अधिग्रहण संबंधी नियमों में जटिलता के कारण देश में 1,00,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, लिहाजा कायदों में ढील देना जरूरी हो गया है। असल में परियोजनाओं के लिए जमीन लेने में किसानों की सहमति हासिल करने का प्रावधान आड़े आ रहा था, अब उसे थोड़ा लचीला बनाया गया है। हालांकि प्राइवेट कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण में अब भी 80% किसानों की ही सहमति जरूरी है। वहीं PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए 70% किसानों की ही सहमति होनी चाहिए, लेकिन 5 क्षेत्रों के लिए अधिग्रहण पर जमीन मालिकों की इजाज़त और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इनमें सैन्य मकसद के लिए अधिग्रहण, गांवों की इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिजली व PPP के तहत चुने गए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या बुनियादी संरचना से जुड़े प्रोजेक्टों के लिए जमीन अधिग्रहण शामिल हैं। रेलवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो रेल, एटॉमिक एनर्जी और बिजली जैसे 13 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर मौजूदा कानून लागू नहीं होता था। अब इन्हें भी मौजूदा जमीन अधिग्रहण कानून के दायरे में ला दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का तर्क है कि इससे इन प्रोजेक्टों के लिए जमीन अधिग्रहण होने पर किसानों को ज़्यादा मुआवजा मिल सकेगा, इनमें पुनर्वास जरूरी होगा, लेकिन इनसे किसानों की सहमति को नहीं जोड़ा गया है। वैसे अध्यादेश का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस और JDU ने इसके खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया है। डेवलपमेंट की प्रक्रिया से पीछे नहीं हटा जा सकता। बदलते वक्त के साथ हमारी ज़रूरतें और अपेक्षाएं भी बदलती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उद्योग धंधों और नई कारोबारी गतिविधियों की ज़रूरत है। इसके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। मौजूदा कानून के कुछ प्रावधानों के कारण कई सड़कें मंजिल की थोड़ी ही दूर पर ठिठकी पड़ी हैं, कई और निर्माण कार्य अधूरे हैं। अगर कानून में थोड़े बदलाव से इन पर फिर से काम शुरू हो जाए तो उसका लाभ हर किसी को मिलेगा। आगे जो नया निर्माण होगा उसका भी हर किसी को फायदा होगा, मगर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में जमीन का ढांचा
या किसानों की स्थिति भी अब एक जैसी नहीं है। कई जगहों पर प्राकृतिक परिवेश में मामूली हस्तक्षेप से भी किसी समुदाय विशेष का पूरा जीवन लड़खड़ा सकता है। इसीलिए इस मामले में असहमति की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। मूल बात मनसा की है। अगर विकास कार्य में हर किसी के हित की समान चिंता की जाए तो शायद इस पर कोई विवाद नहीं होगा।